जब जब देश की सुरक्षा की बात आई है तब तब इस देश के जवानों ने अपनी जान दी है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही वीर के परिवार से। कारगिल वॉर में हमने अपने कई बेटों भाइयों और जवानों को खोया था। और उन्हीं शहीदों में एक नाम था कैप्टन जिंटू गोगोई। मेरा नाम ऑनर फ्लाइंग ऑफिसर टीआर गोगोई और हम कैप्टन जिंटू गोगोई का माता पिता हूँ। 70 नवंबर में कैप्टन जिंटू गोगोई का जन्म हुआ। ही वॉज वेरी मच इंक्लाइन टू द आर्मी। मैं उसको एक बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करो, उसका बाद आर्मी में चला जाओ। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने से पहले उसका एग्जाम दे दिया। कारगिल लड़ाई में जो बटाली सब सेक्टर में एक है कालापत्थर हिल्स, वो कालापत्थर हिल्स को एविक्शन करने के लिए इनको टास्क दिया था। तो उसने देखा सामने उसका सामने 3 घुसपैठी खड़ा हुआ था, तो उसने उसका इंसास राइफल से इमीडिएटली उन तीनों को शूट कर दिया। उसके बाद जब 3 गोली चलाया ना, आवाज़ सुना बाकी लोगों ने, इनको कैप्टन जिंटू और इसका कंपनी को पूरा तीनों तरफ से घेराव कर लिया था। जब पीछे से देखने के लिए गया तो उसको पहला गोली लगा पेट में। फिर कंपनी को बोला तुम लोग पीछे हाथ जाओ, शेल्टर ले लो। वो बोलते बोलते जब पीछे हटा तो उसका नेक्स्ट गोली लगा उसका पैर में लगा, और उसका तीसरा गोली आके लगा सिर पे, इधर लगा। And that was the fatal. जब उसका डेड बॉडी जलाया उससे पहले मैं मेरा यूनिफॉर्म पहन के उसको सिर उठ मारा। ऐसे लगता है क्योंकि अभी भी सपनों में देखता हूँ वो कहीं ना कहीं है, ऐसा लगता है। कैप्टन जिंटू गोगोई जब शहीद हो गया दुख भी बहुत लगता है, माँ हूँ तब तो बहुत प्राउड करती हूँ। हम लोग के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए तो वो कुर्बानी दिया। आपके बेटे के बलिदान पे मैं ये देख रहा हूँ कि आप जितनी देर बोल रहे थे आप भावना से भरे हुए थे, लेकिन एक अजीब सी चमक आपकी आंखों में थी जो सिर्फ एक बलिदानी के माता पिता के चेहरे पे हो सकता है। थैंक यू सर। आपके एक बेटे ने इस देश के करोड़ों बेटों को भारत माँ पर बलिदान होने के लिए मोटिवेट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैप्टन गोगोई का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, इंडिया इज प्राउड ऑफ हिम एंड योर एंटायर फैमिली, और हमारे भारत सरकार ने भी उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया है। एक बार उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।